राजस्थान के मारवाड़ में अफीम तस्करी से मोटी कमाई चलते तस्करों में अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस पूरे क्षेत्र में अफीम और डोडा पोस्ट की तस्करी के वर्चस्व को लेकर इन दिनों गैंग्स में अब झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। रविवार को देचू थाना क्षेत्र के गिलागोर में गांव में आयोजित एक शादी समारोह में विष्णाराम और राजू मांजू गैंग के सदस्य एक दूसरे से भिड़ गई, एक दूसरे के पीछे जमकर गाड़ियां दौड़ाई। इस दौरान जान बचाकर भागा मांजू अब वापस हमला करने की कोशिश करेगा। ऐसे में पुलिस को भी अब बड़ी गैंगवार का डर सताने लगा है। दरअसल बता दें कि जोधपुर में इस समय मुख्य रूप से राजू मांजू की 007 गैंग के अलावा कैलाश मांजू, सीआर गैंग राजू फौजी बचना बादू और लॉरेंस सुनोई गैंग सक्रिय है। चर्चित बहुरी देवी केस में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद इसमें अब विष्णाराम के रूप में नया नाम जुड़ चुका है। इनमें से एक लॉरेंस को छोड़ सभी सीधे मादक पदार्थों की तस्करी में लगे हुए है, जबकि लॉरेंस का मुकाम धमकी देकर उगाही करना है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पुलिस का दावा है कि राजू मांजू, कैलाश मांजू, सीआर गैंग इन दिनों कमजोर हो चुकी है। इसके पीछे पुलिस का यह तर्क है कि 007 गैंग के अधिकांश सदस्य पकड़े जा चुके हैं, ऐसे में इनके पास अब मजबूत गुर्गे नहीं रहे। वही कैलाश मांजू के जेल में होने के कारण इसकी गैंग अब कुछ कमजोर हुई है। दूसरी ओर राजू फौजी भीलवाड़ा में दो पुलिसकर्मियों की हत्या मामले के बाद से भूमिगत हो गए और वह अभी तक फरार चल रहे हैं। एक दशक पूर्व मादक पदार्थों की तस्करी में विष्णाराम गैंग का वर्चस्व था, लेकिन बहुरी प्रकरण में उलझने के बाद विष्णाराम जेल चला गया और उसकी गैंग भी बिखर गई। लेकिन 10 साल जेल में रहने के बाद उसे ढाई माह पूर्व ही विष्णाराम को जमानत मिली थी। जेल से बाहर आते उसने सबसे पहले अपने पुराने साथियों को जोड़ा। विष्णाराम के सक्रिय होने से तस्करी धंधे को लेकर दूसरी गैंग को वर्चस्व पर आ जाती नजर आने लगी है। यही वजह है गैंग्स के बीच अब टकराव के आसार बढ़ गए। जानकारों का मानना है कुछ दिन टकराव बढ़ेगा और उसके बाद उसके आपस में